ऑप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अब क्लियर कर लिए, तो अब हमें अगर कोई चेक करना हो कि फंक्शन है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आपको मालूम है इजीली बन जाता है, जस्ट आपने एक्स की वैल्यूज पुट करना है और वाई की वैल्यूज आती जाएंगी, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, उसको आपने एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर लेना है, तो उस हिसाब से आपको एक वेट रेज हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह आपने ग्राफ बना लेना, कोई इतना काम नहीं है, जस्ट 30 सेकेंड्स में आप इजीली किसी भी फंक्शन का, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। अब उसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, उसका बड़े आसान सा तरीका है, आपने ग्राफ बनाना है उसको, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, कहीं पर भी, यहां पे ड्रॉ कर लें, यहां पे ड्रॉ कर लें, जिधर भी आप कोई वर्टिकल लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कहीं पर भी ड्रॉ कर लें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन है। एक ये जो आपको एक्सप्रेशन जो दिया गया है जिसको चेक करना है, वो एक फंक्शन है। ये एंटी टेस्ट के हवाले से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको आसानी से देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो उसका चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, आपने उसका छोटा सा ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, अगर वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को जस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इट मीन्स कि ये एक फंक्शन है। मतलब आपको मालूम है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए फर्स्ट एलिमेंट के अंदर, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो पहले वाला ग्राफ हमारा फंक्शन है, दूसरे वाला ग्राफ देखें, ये भी फंक्शन होगा, मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी फंक्शन है। अब ये एक सर्कल आ गया, सर्कल की इक्वेशन आपको या फंक्शन दिया था, इक्वेशन आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया, अब ये देखें, ये दो जगह पे ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो ये है जी आसान सा क्राइटेरिया फॉर चेकिंग दैट इट इज अ फंक्शन ऑर नॉट। सिमिलर वे में ये भी आपके पास जो ग्राफ बना हुआ है, ये भी फंक्शन नहीं है, ये एक दो तीन चार जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ग्राफ को वर्टिकल लाइन जस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो वो आपका फंक्शन होगा, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था जी क्राइटेरिया फंक्शन का। फंक्शन क्या चीज है, क्वांटिटी है, दो क्वांटिटीज हैं जिनमें से एक डिपेंड करती है, एक इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। अब एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसको हलवा क्वेश्चन कहेंगे आप, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इनमें से एक मैं कर देता हूँ, चलें फर्स्ट वाला ले लेंगे, सेकंड वाला, दोनों इजी हैं, मैं सेकंड पार्ट डाल देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट, आपने एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है, जहां जहां बेटा एक्स है माइनस 2 पुट कर देना है, तो ये क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट। इसी तरह एफ ऑफ 0 जहां पे एक्स है 0 पुट कर देना है, ठीक है। अब इस पे आ जाएंगे एफ ऑफ एक्स माइनस 1 पे, अब जहां पे एक्स होगा रिप्लेस कर देना है एक्स माइनस 1, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा, एक्स के प्लस 4 रिप्लेस कर देने है, तो ये आपका आ जाएगा जी एक्स के प्लस 16। तो ये पहला क्वेश्चन तो इजी सा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा ही है बहुत, इसमें आपके पास ए वैल्यू फाइंड करनी है, हो गई प्लस कुछ मैंने सर को नॉलेज, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, पहले फर्स्ट करते हैं, इसमें क्या करना है आपने, जस्ट फर्स्ट ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये आपने कैलकुलेट करनी है। चले एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, जहाँ पर x आ रहा है आपने बता a प्लस एच रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे आपके पास x आ रहा है वहाँ पे a पुट कर देंगे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ओवर h,
दोबारा देखें f ऑफ a प्लस h, जहाँ जहाँ पे x है a प्लस h कर दिया, जहाँ जहाँ पे x है a कर दिया, f ऑफ a प्लस h ये हो गया और f ऑफ a हो गया। जस्ट सिंप्लीफाई कर लें, 6a प्लस 6h माइनस 9, 6a प्लस 9 ओवर h, 6a 6a से कैंसिल, 9 9 से कैंसिल, 6h ओवर h, एंड दैट इज योर आंसर 6। ठीक है, इसी तरह आपने f ऑफ x sin x पे लेना है, तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, ये क्या है, तो f ऑफ a प्लस h sin x की जगह पे a प्लस h आ गया, माइनस f ऑफ a व्हिच इज sin ऑफ a ओवर h। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, आपने फर्स्ट ईयर में सम से प्रोडक्ट में कन्वर्जन करने वाले फार्मूला पढ़े हुए हैं, तो वो आपने उस पर अप्लाई करने, तो साइन माइनस साइन आपको मालूम है 2 cos sin होता है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 sin अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब ये एज मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, एज ओवर 2 और यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ एज ओवर 2, मजीद सॉल्व नहीं होता। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, इजीली समझ सकते हैं, ये जस्ट वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर थ्री पे ये आ रहा है जी आपका, फाइंड करना है पेरीमीटर। अब ये फंक्शन बना दें पी जो कि स्क्वायर का हो, उसको एरिया के फंक्शन में कन्वर्ट करना। हाँ जी, आपको मालूम है पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, मैस 4x, आपको पता है स्क्वायर फोर साइड्स इक्वल होती है, तो फोर साइड्स पेरीमीटर का मतलब होता है फोर साइड का सम, 4x हो गया, स्क्वायर के एरिया क्या होता है x स्क्वायर होता है, तो आपने अब पेरीमीटर को एरिया के फंक्शन में कन्वर्ट किया, यहाँ से आपने ना ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x स्क्वायर है स्क्वायर रूट ले लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर रूट, ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ये आपका आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इक्वल टू 4 इनटू a स्क्वायर रूट, तो ये आपका आंसर आ गया कि इसका पेरीमीटर स्क्वायर एरिया के फंक्शन में आपने कन्वर्ट किया। ठीक है, अब आ जाएं एरिया सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो आपने क्या करना है यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपने एरिया में पुट कर देनी है, आर की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर 2 पाई, एरिया में पुट कर दें सी ओवर 2 पाई, ये हो जाएगा जी सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये 4 ए पाई पाई से कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई जो है ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह थर्ड पार्ट है वॉल्यूम, क्यूब क्या होता है, ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ विथ और हाइट सेम रहे उसको बोलते हैं क्यूब, ये क्यूब है। ठीक है, तो इसमें आपने क्यूब के वॉल्यूम को, वॉल्यूम आपको मालूम है क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम फाइंड करने का। अब आपने इसका जो बेस का एरिया है, ये बेस जो है ये स्क्वायर बन रही है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर में और ये वॉल्यूम की वैल्यू में एक्स की पुट कर देंगे, तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर रूट का क्यूब और स्क्वायर रूट का तो है पावर 1/2, तो ये आपके पास वॉल्यूम किस टर्म में आ गया, एरिया के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं फंक्शन के। ठीक है,